तो पहला मैं सारे का तहे दिलों धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मीटिंग अटेंड की एंड काफ़ी लोगों ना क्वेरीज हले भी आ रही है सो मैं थोड़ी जी क्वेरीज डिस्कस करना चाहता सगा जिद भी सब तो पहली क्वेरी है सर टूरिस्ट वीजा ओपन है कि नहीं है कैनेडा का यस कैनेडा टूरिस्ट वीजा काफ़ी टाइम तो ओपन है काफ़ी लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं सो एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा सकते हैं अगर तुहाडे बायोमैट्रिक हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी अगर नहीं हो तो बायोमैट्रिक वास्ते वेट करनी पड़ेगी वन थिंग सेकेंड क्वेश्चन है लोगों का सर वीजा चांस ऑन फ्रैश पासपोर्ट यस फ्रैश पासपोर्ट तुम वीजा अपलाई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने लिखा कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है वीजा चांसिस ऑन होटल बुकिंग या स्पॉन्सर कुछ लोग पूछते हैं भाजी सा होटल बुकिंग से या स्पॉन्सर से वीजा आ सकता है मतलब कितने ज्यादा बैटर कुछ लोगों को लगता है शायद स्पॉन्सरशिप होगी तो ही वीजा होगा नो ये बहुत वही मिथ है बहुत वाला भ्रम इसको खत्म करो स्पॉन्सरशिप अगर किसी की आ जाती है दैन वेल एंड गुड अगर नहीं है किसी को स्पॉन्सरशिप तो होटल बुकिंग के वीजा किन्ने आ चुके और आने वाले टाइम किन्ने होर आने राइट आफ्टर रिफ्यूजल किन्ने चांसिस आ यह भी सवाल बहुत लोगों का कि ऑलरेडी वीजा दो दिन बाद रिफ्यूज हो चुका चांसिस है कि नहीं है सो मैं उन्होंने यही कहना चाहूंगा यस चाहे एक दो तीन चार जिनी मर्जी बार वीजा रिफ्यूज होया हो वीजा के चांसिस हमेशा रहेंगे अगर सही तरीके का फाइल अपलाई की जाए तो ही करके अगर मेरी प्रोफाइल देखो अठ अठ रिफ्यूजल तो बाद वीजा लोगों के आए आ क्यों आए क्योंकि सही ढंग सोच समझ के फाइल अपलाई की गई थी एक होर लोगों का होंगे कि सर मल्टीपल एंट्री वीजा होंगे कि नहीं होंगे यस कैनेडा का मोस्टली वीजा मल्टीपल एंट्री होंगे वीजा एक बार ग्रांट होंगे जितनी मर्जी बार आओ तो जाओ वो एक लोगों की मेजर रिक्वायरमेंट हैगी सर फंड्स फंड्स किन्ने रिक्वायर्ड आ फंड्स किन्ने होने चाहिए आ फंड्स का फ्लो किदा होना चाहिए मैं एक चीज दस दिना कैनेडा वीजा अपलाई करना है कल्ले बंदे ने तो नियर अबाउट कोई चार तो छे लाख के फंड्स होने जरूरी है लेकिन यदा मतलब यह नहीं है कि कोई भी बाहरला बंदा फड़िया जेडे कि फंड शो करते होंगे एक या 2% से उन्होंने कहता कि साढ़े फंड शो कर दो नो ये काम ना करवाइयो ठीक है ये काफ़ी लोग बैन भी हो चुके हैं फंड्स ही मेनटेन करने होंगे विद प्रोपर ट्रांजैक्शन सिखाणियां असी होंदियां एडवाइस सानू असी करना है लेकिन उस चीज को करना किन्ने तुसी और जे किसी इंसान को आईटीआर नहीं है तो अपना फॉर्म 16 भी लगा सकता है ये भी काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है सर को आईटीआर नहीं सर को फॉर्म 16 है यस फॉर्म 16 इज एक्सेप्टेबल और लास्ट क्वेश्चन मोस्टली लोगों का सीगा सर वीएफएस का दसो वीएफएस ओपन हो चुके नहीं हो चुके यस कैनेडा वीएफएस ओपन हो चुका बट फॉर स्टूडेंट वीजा वास्ते एंड फॉर फैमिली वीजा वास्ते इन्हां वास्ते ओपन लेकिन सारा काम कितना हो रहा है कोरियर के राही राइट बायोमैट्रिक स्टूडेंट के होने लग गए हुए हैं लेकिन हले जो टूरिस्ट है उन्होंने हले होने शुरू नहीं हुए जो होने शुरू हो गए मैं डेफिनेटली वीडियो वो भी अपलोड करूंगा सो दोस्तों नैक्सट मीटिंग जी हैगी जो लोग मैं मिलना चाहते हैं 16th ऑफ मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश कर रहे हैं 16th ऑफ जनवरी मीटिंग रखी है सैटरडे को सो जो लोग आना चाहते हैं ओ कल परसों चौथ नीचे दिए हुए नंबर से कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते सो दोस्तों हो किसी तरह की होर कोई क्वेरी हो नीचे दिए हुए नंबर से कॉल कर सकते हैं इतना प्यार बख्श दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया सत श्री अकाल।